चेयरबॉक्स। ओके, सो वी आर कंटिन्यूइंग विद द पैथोफिजियोलॉजी। सो देयर इज क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, इंक्रीज नंबर ऑफ द गॉबलेट सेल्स जो कि म्यूकस सीक्रेटिंग सेल्स होते हैं, म्यूकस ग्लैंड हाइपरप्लेजिया होती है, देयर इज फाइब्रोसिस, देयर इज नैरोइंग एंड रिडक्शन इन द नंबर ऑफ स्मॉल एयरवेज। ठीक है, तो एयरवेज की जो है वो नैरोइंग होगी और ये ज्यादातर जो है वो स्मॉल एयरवेज को अफेक्ट कर रहा होता है, एंड एयरवेज एयरवे कोलैप्स ड्यू टू एल्वियुलर वॉल डिस्ट्रक्शन। दिस इज द नॉर्मल ब्रोंकाई एंड दिस इज, यहाँ पे ये सारे जो है इन्फ्लेमेटरी चेंजेस की वजह से, सी हाउ नैरो द ल्यूमेन हैज बिकम। तो ल्यूमेन जो है वो एयरवे का बहुत ज्यादा नैरो हो गया, ये जो स्मूथ मसल लेयर, ये नॉर्मल जो है वो लेयर इस तरह से होती है और ये यही लेयर जो है ना, इट हैज बिकम वेरी मच थिक। तो एंड रिजल्ट में क्या होगा, देयर इज नैरोइंग ऑफ द एयरवे। अब ये तो वो चेंजेस थी जो एयरवे के अंदर हो रही होती, बट वी डिस्कस के सीओपीडी के अंदर जो भी चेंजेस है वो सिर्फ एयरवेज के अंदर नहीं हो रही होती है, लंग पैरेन्काइमा भी इसमें इफेक्ट होता है और वेस्कुलेचर भी इफेक्ट होता है। ठीक है, अब हमारे पास दो लेक्चर्स हैं सीओपीडी के, तो आज हम पैथोफिजियोलॉजी और कुछ क्लिनिकल फीचर्स को कर रहे हैं, तो मेनली जो इसमें मैनेजमेंट पार्ट है दैट वी विल डिस्कस टुमारो। यहाँ पे कुछ ऐसी डिजीजेस होती है जिसमें पैथोफिजियोलॉजी को जो है ना वो समझना इन डेप्थ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अदरवाइज चीजें जो है वो क्लियर नहीं होंगी। तो एम्फाइसीमा जो है वो क्या, वो डिस्कस के देयर इज डायलेटेशन ऑफ द एयरवेज डिस्टल टू द टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। तो टर्मिनल ब्रोंकियोल के जो डिस्टल है वो क्या क्या चीजें आती हैं, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स होती है, एल्वियुलर डक्ट्स, एल्वियुलर सैक एंड एल्वियुलर, ये जो सारी चीजें होती हैं इसको कंबाइंडली कहते हैं एसिनस। तो एसिनस कंसिस्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, एल्वियुलर डक्ट्स, एल्वियुलर सैक्स एंड एल्वियुलर। तो ये दिस इज द एरिया जहाँ पे एक्चुअली ये रेस्पिरेटरी जोन होता है, जहाँ पे आपकी गैस एक्सचेंज जो है वो हो रही होती है। This is a normal acinus. The bronchioles जो है वो terminal bronchioles में divide होती हैं, ठीक है? Then terminal bronchioles से आगे these are the respiratory bronchioles. Respiratory bronchioles के बाद alveolar ducts, alveolar sacs and the alveolar. ये आपका पूरा जो है वो gas exchange unit है और यही unit जो है वो affect होता है in emphysema. तो इसीलिए patients को जो है वो इतनी breathing difficulty होती है। अब एम्फाइसीमा के जो है वो देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ एम्फाइसीमा जो के बेसिकली डिपेंड करता है अपॉन द लोकेशन। सो सबसे पहले जो है वो सेंट्री लोब्यूलर, या इसको हम प्रोक्सिमल एसिनार जो है वो कहते हैं। अब नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जो है वो प्रोक्सिमल पार्ट जो है वो अफेक्ट होगा, पिक्चर से ही क्लियर हो रहा है। द प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ एसिनस इज इन्वॉल्वड इन this central lobular emphysema, it is commonly associated with cigarette smoking. इसकी important चीज ये है कि जो central lobular है, ये cigarette smoking से जो है वो associated होता है। Other is the pan acinar. Pan का क्या मतलब होता है? कि through and through, यानी ये आपके सारे ही जो parts हैं acinus के उसको involve करता है। तो ये diagram से clear हो रहा है कि पूरा का पूरा जो है वो आपका acinus इसमें affect हो रहा है, involve हो रहा है। और दिस इज सीन इन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, स्मोकर्स में भी हो सकता है बट इट इज मोर कॉमन इन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। ये एक कंडीशन होती है जिसको हम आगे जो है वो डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। ठीक है, तो ऑल क्लियर। यहाँ पे जो है वो प्रॉक्सिमल पार्ट अफेक्ट हो रहा है, एंड दिस इन पैन एसिनर टाइप होल ऑफ द एसिनस इज गेटिंग इन्वॉल्व। Then distal acinar, अब distal का क्या मतलब है कि distal part जो है यहाँ पे involve हो रहा है। The alveolar ducts are prominently affected. यहाँ पे alveolar ducts जो है वो ज्यादा affect होती है, इसको paraseptal emphysema भी कहते हैं। इसकी कोई खास जो है वो predilection नहीं होती कि किसी खास condition में ये ज्यादा हो, लेकिन ये कि इसमें जो है वो distal part जो है वो ज्यादा involve होता है। अगेन द पिक्टोरियल डायग्राम जिससे वो, दिस इज द डिस्टल
एसएनआर, यहाँ पे डिस्टल पार्ट एसिनेस का इन्वॉल्व हो रहा है, दिस इज द पैन एसिनार, यहाँ पे वी कैन सी के पूरा का पूरा जो एसिनेस है उसकी डायलिटेशन हो रही है, एंड सेंट्रीलोबुलर में सिर्फ प्रोक्सिमल पार्ट की प्रोक्सिमल पार्ट अफेक्ट हो रहा है, डिस्टल पार्ट जो है वो अनइन्वॉल्व्ड है। पल्मोनरी वेस्कुलेचर के अंदर जो है वो क्या हो रहा होता है, देयर इज एंटीमल हाइपरप्लेजिया, जो वेसल की जो लेयर्स होती है उसका जो एंडोथीलियम होता है उसको एंटीमा भी कहते हैं, तो एंटीमा की जो है वो हाइपरप्लेजिया होती है, स्मूथ मसल हाइपरट्रॉफी, तो ये वही चीज है जो कि आपकी एयरवेज के अंदर हो रही होती है, तो देयर इज हाइपरप्लेजिया ऑफ द एंटीमल लेयर और स्मूथ मसल की जो है वो हाइपरट्रॉफी होती है, इसकी वजह से क्या होता है कि देयर इज, अब ये होता क्यों है, बिकॉज ऑफ वैसोकंस्ट्रिक्शन ऑफ द स्मॉल पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर एक चीज जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि हमारा जो है जहां जब भी हाइपोक्सिया होगा यानी ऑक्सीजन का जो है वो जब लेवल कम होगा तो ये जो वेसल्स है इनके अंदर वैसोकंस्ट्रिक्शन होती है। नॉर्मली क्या होता है कि हमारी जो सिस्टमिक जो सर्कुलेशन होती है या जो पेरिफेरी की जो वेसल्स होती है वहां पे हाइपोक्सिया की वजह से वैसोडायलेटेशन होती है, लेकिन नेचर ने यहाँ पे हमें जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म दिया है वो ये है कि ऑक्सीजन का लेवल जब कम होगा तो यहाँ पे वैसोकंस्ट्रिक्शन होगी, उसका फायदा ये होगा कि आपका जो ब्लड सप्लाई है वो ऐसी जगह पे जाए जहाँ पे ऑक्सीजन है, क्योंकि पल्मोनरी जो आर्टरीज है या पल्मोनरी सर्कुलेशन का जो काम है वो गैस एक्सचेंज है, तो अगर ऐसी जगह पे ब्लड फ्लो जाए जहाँ पे ऑक्सीजन है ही नहीं तो फिर उसका कोई फायदा नहीं होगा, तो इसकी वजह से जो है वो वैसोकंस्ट्रिक्शन होगी, एंड देयर इज डिस्ट्रक्शन ऑफ द एल्वियोलाई ड्यू टू एम्फाइसीमा, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस किए, उसकी वजह से भी क्या होगा कि जो पल्मोनरी आपकी कैपिलरी बेड है वो भी डिस्ट्रॉय होगा, एल्वियोलाई के अंदर जो है वो अपनी कैपिलरी बेड्स होती है क्योंकि उस वहां पे गैस एक्सचेंज हो रही होती है, जब एल्वियोलाई की वॉल जो है वो डैमेज होगी तो उसके अंदर जो भी वेसल्स है वो भी सारी डैमेज होंगी। व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स, सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर सीओपीडी इज सिगरेट स्मोकिंग, ठीक है, तो सिगरेट स्मोकिंग आई एम श्योर हम सबको पता है इट इज द लीडिंग रिस्क फैक्टर फॉर सीओपीडी, लेकिन रिमेम्बर उसके अलावा और भी रिस्क फैक्टर्स जो है वो होते हैं, ठीक है, तो अब वो क्या क्या रिस्क फैक्टर है, ऑक्यूपेशनल डस्ट एंड केमिकल, बहुत सारे ऐसे ऑक्यूपेशन है जहाँ पे वेरियस डस्ट और केमिकल से एक्सपोजर होता है तो दे कैन इन द लॉन्ग टर्म दिस कैन लीड टू सीओपीडी, एंड एनवायरमेंटल टोबैको स्मोक, अब ये जो एनवायरमेंटल टोबैको स्मोक इसका क्या मतलब है कि एक होती है एक्टिव स्मोकिंग दूसरी पैसिव स्मोकिंग, यानी कि आपके एनवायरमेंट में आपकी क्लोज विसिनिटी में घर के अंदर या वर्क प्लेस के अंदर कोई स्मोकिंग कर रहा है और आपका लॉन्ग टर्म एक्सपोजर है तो यू आर अगेन एट रिस्क फॉर डेवलपिंग सीओपीडी। तो जब हम पेशेंट से हिस्ट्री पूछते हैं, हमारे पास कोई सीओपीडी का पेशेंट आता है तो हमें पेशेंट से सिर्फ एक्टिव स्मोकिंग के लिए नहीं पूछना चाहिए, पैसिव स्मोकिंग का भी पूछना चाहिए, देन इंडोर एंड आउटडोर एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन जो है वो डेली बेसिस पे जो है वो बढ़ रही है, तो दिस इज अगेन वन ऑफ द रिस्क फैक्टर फॉर सीओपीडी। अब हमने जो देखा कि सीओपीडी का जो रिस्क है वो डेली बेसिस पे इंक्रीज हो रहा है, जब हमने एपिडेमियोलॉजी डिस्कस की दीज आर द रीजंस, क्योंकि स्मोकिंग का ट्रेंड जो है वो भी बढ़ रहा है, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर बढ़ रहा है क्योंकि इंडस्ट्रीज जो है वो ज्यादा है अब, ठीक है, और हमारे पार्ट में जो है वो एयर पोल्यूशन जो है वो भी एक बहुत बड़ा जो है ना इशू है, तो सीओपीडी का जो इंसिडेंस है या प्रेवलेंस जो है वो कंटिन्यूअसली जो है वो इंक्रीज ही हो रहा है। देन देयर आर सर्टेन जेनेटिक फैक्टर्स एज वेल, ठीक है, कुछ जीन्स ऐसी होती हैं स्पेशली अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी के अंदर इसका रोल है जो कि हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे, रिपीटेड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस कैन आल्सो लीड टू सीओपीडी, एंड सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो है बट इट इज नॉट वेरी वेल नोन या वेल प्रूवन जो है वो नहीं है, तो मेन जो आपके रिस्क फैक्टर है वो ये है और एजिंग पॉपुलेशन, जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो सीओपीडी का रिस्क है वो बढ़ेगा। इंपॉर्टेंट कंडीशन है दैट इज अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, इट इज अ जेनेटिक
कंडीशन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अबाउट 2% ऑफ केसेस ऑफ सीओपीडी. अब ये बहुत ही रेयर है, यानी सीओपीडी के जो केसेस है उसके अंदर सिर्फ 2% सीओपीडी जो है वो इसकी वजह से होती है. लेकिन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन. क्यों? क्योंकि इसको अगर हम डायग्नोज कर लें तो ये ट्रीट हो सकती है. होता क्या है इसके अंदर के एक प्रोटीन होता है जिसको हम कहते हैं अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन. ये जो अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन जो है दिस इज एन एंजाइम. ये नॉर्मली भी लंग्स के अंदर होता है और इसका फंक्शन ये होता है कि ये लंग डैमेज को जो है वो है वो हमारे लंग्स का कंटिन्यूअसली जो है वो नॉक्सियस के साथ एक्सपोजर रहता है. यानी कि वो एंजाइम्स जो सेल को डैमेज करते हैं ये उसका जो है वो एंटीडोट है या ये उसके एक्शंस को जो है वो अपोज करता है. तो यानी सेल डैमेज जो है वो कम से कम होता है. तो अब एक प्रोटेक्टिव चीज जो कि सेल डैमेज को प्रिवेंट कर रही है अगर वो कम हो जाती है तो फिर क्या होता है, देयर इज वो जो आपके डैमेजिंग एंजाइम्स है उसका एक्शन जो है वो ज्यादा होता है. सो देयर इज एक्सीलरेटेड लंग डैमेज और अल्टीमेटली ये जो पेशेंट्स हैं ये सीओपीडी जो है वो डेवलप करते हैं. यही पेशेंट्स अगर साथ में स्मोकिंग भी कर रहे होंगे तो सीओपीडी का रिस्क जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा. अब नेक्स्ट जो है वी हैव टू डिस्कस अबाउट द सिम्टम्स क्लिनिकल फीचर्स. तो सिम्टम्स और क्लिनिकल फीचर्स के ऊपर वाइंड अप करते हैं, फिर उसका जो फिजिकल एग्जामिनेशन है एंड द मैनेजमेंट पार्ट दैट वी विल डिस्कस टुमारो. सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो सिम्टम जो सीओपीडी के अंदर होते हैं दे आर डिस्निया, क्रॉनिक कफ एंड क्रॉनिक स्पूटम प्रोडक्शन. अब ये जो सीओपीडी के जो सिम्टम है उसके अंदर इम्पोर्टेंट जो चीज होती है कि क्रॉनिक एंड प्रोग्रेसिव सिम्टम होते हैं. अस्थमा के अंदर क्रॉनिक सिम्टम नहीं थे और ना ही प्रोग्रेसिव थे. वहां पे इंटरमिटेंट सिम्टम थे जो कि स्पॉन्टेनियसली जो है वो रिजॉल्व हो रहे थे. लेकिन सीओपीडी के अंदर क्रॉनिक सिम्टम होंगे और वो प्रोग्रेस करेंगे. एस्थमा में वेरिएबल सिम्टम थे यानी कि वो डे टू डे उसमें जो है वो वेरिएशन जो है वो होती थी. लेकिन यहाँ पे जो है वो इम्पोर्टेंट चीज है कि देयर इज क्रॉनिक एंड प्रोग्रेसिव डिस्निया कफ एंड स्प्यूटम प्रोडक्शन. सो डिस्निया इज प्रोग्रेसिव एंड परसिस्टेंट एंड वर्स विद द एक्सरसाइज. क्रॉनिक कफ मे बी इंटरमिटेंट एंड मे बी अनप्रोडक्टिव. ये इंटरमिटेंट भी हो सकती है लेकिन कॉमनली इट इज क्रॉनिक विद स्प्यूटम प्रोडक्शन एंड देयर इज प्रोग्रेसिव डिस्निया. तो ये जो तीन है दे आर द चीफ सिम्टम्स ऑफ सीओपीडी. दूसरे क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, देयर इज वीजिंग, चेस्ट टाइटनेस जैसे एस्थमा में हो रही होती है एंड पेशेंट कैन एक्सपीरियंस वेट लॉस and repeated respiratory infections. This is a questionnaire which I would like all of you to focus upon. This questionnaire is called Modified Medical Research Council Questionnaire. कोई भी पेशेंट जो हमारे पास शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ आता है तो हमें उसका ये क्वेश्चनेयर जो है वो फिल करना जरूरी होता है. ये सीओपीडी में जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि सीओपीडी में जो हमारे पास पेशेंट आते हैं डिस्निया के साथ है, हमें उसका एक स्केल जो है ना होना जरूरी है जिससे ये आइडिया हो कि उसकी सिवियरिटी जो है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की कितनी ज्यादा है. लेकिन जनरली स्पीकिंग जो भी पेशेंट हमारे पास शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ आते हैं उसका हमें ये क्वेश्चनेयर जो है वो फिल करना होता है. अब इसके अंदर जो है इट स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, देन जीरो वन टू थ्री फोर. इतना कॉम्प्लिकेटेड जो है वो नहीं है जितना ये नजर आ रहा है. अब इसमें सबसे एक सिंपल चीज होती है, हम पेशेंट से ये पूछते हैं कि उसको कौन सी लेवल ऑफ एग्जर्शन के ऊपर जो है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या डिस्निया जो है वो पेशेंट एक्सपीरियंस करता है. जैसे जीरो में पेशेंट जो है क्या कहेगा कि आई ओनली गेट ब्रेथलेस विद स्ट्रेनियस एक्सरसाइज. जब पेशेंट बहुत हैवी एक्सरसाइज कर रहा होगा सिर्फ उसके ऊपर पेशेंट ब्रेथलेस होगा. ग्रेड वन के अंदर पेशेंट गेट्स शॉर्ट ऑफ ब्रेथ व्हेन हरिंग ऑन द लेवल और वॉकिंग अप अ स्लाइडल. यहाँ पे सिर्फ स्ट्रेनियस एक्सरसाइज के ऊपर पेशेंट शॉर्ट ऑफ ब्रेथ होगा. अगर पेशेंट सिर्फ मतलब हरिंग ऑन द लेवल यानी कि एक ग्राउंड लेवल पे पेशेंट तेजी तेजी से चले या फिर थोड़ा सा ऊपर
जो है ना क्लाइंबिंग अपहिल, यानी कि पेशेंट कह के मैं सीढ़ियां चढ़ रहा होता हूँ तब मुझे सांस हो रही होती है, तो इट इज ग्रेड वन। ग्रेड टू के अंदर पेशेंट जो है वो थोड़ा सा उसका लेवल जो है वो और बढ़ जाएगा, और अब पेशेंट जो नॉर्मल पेस पे भी वॉक कर रहा होता तो उसके ऊपर भी उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी। ग्रेड थ्री के अंदर वो और ज्यादा इंक्रीज, यानी कि जैसे जैसे हम जीरो से फोर तक पहुंचेंगे तो सिवियरिटी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। और ग्रेड फोर के अंदर पेशेंट इतना ब्रेथलेस होता है कि उसको जो है वो रेस्टिंग जो है वो डिज़निया हो रहा होता है। फिजिकल साइंस जो वी हैव डिस्कस्ड क्लिनिकल फीचर, फिजिकल साइंस जो है वो सीओपीडी की दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। हमने एस्थमा के अंदर फिजिकल साइंस को इतना डिटेल से डिस्कस नहीं किया था क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट फिजिकल साइंस नहीं होती, लेकिन सीओपीडी के अंदर इतनी पैथोग्नोमोनिक क्लिनिकल साइंस होती है कि बार दफा आप उसके ऊपर भी बहुत ईजिली जो है वो पेशेंट को डायग्नोज कर सकते हैं। अब इस पे अगर हम इंस्पेक्शन से स्टार्ट करें तो पेशेंट को होता है बैरल शेप चेस्ट। बैरल शेप चेस्ट हमने पिछले जो है वो उसमें भी एस्थमा के साथ डिस्कस किया था कि नॉर्मली आपका जो चेस्ट वॉल होता है, आई विल शो यू द पिक्चर एज वेल। अब नॉर्मल जो चेस्ट होता है उसमें आपका जो ट्रांसवर्स चेस्ट वॉल के अंदर दो डायमीटर होते हैं, एक ट्रांसवर्स होता है और एपी। अब ये जो डायमीटर है ना, दिस इज द ट्रांसवर्स डायमीटर और ये है एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर। एक ट्रांसवर्स है और एक एपी डायमीटर है। नॉर्मल इंडिविजुअल्स के अंदर ट्रांसवर्स डायमीटर जो है वो एपी डायमीटर से ज्यादा होता है, लेकिन जब बैरल शेप चेस्ट होता है, अब आप इस वाले चेस्ट को इस वाले चेस्ट से अगर कंपेयर करें तो बहुत ऑब्वियस जो है ना डिफरेंस यू कैन सी। यहाँ पे चेस्ट वॉल का जो है वो एपी डायमीटर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है बिकॉज ऑफ द एयर ट्रैपिंग, क्योंकि पेशेंट जो है वो एयर एक्सहेल नहीं कर पा रहा सही से, तो वो सारी एयर जो है वो उसके लंग के अंदर ही ट्रैप हो रही है। तो दिस इज कॉल्ड अ बैरल शेप चेस्ट। फिर पेशेंट जो है वो एक्सेसरी मसल रेस्पिरेशन के यूज कर रहा होगा क्योंकि उसको जो है वो ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है। एक्सपायरेशन जो है वो प्रोलॉन्ग होगी क्योंकि आपकी दोनों ऑब्स्ट्रक्टिव जो एयरवे डिजीजेस है उसमें मेनली जो है वो एक्सपायरेशन वाला पार्ट जो है वो अफेक्ट होता है। पेशेंट एक्सपायर थ्रू बर्स्ट लिप, ठीक है, पेशेंट जो है वो उसमें इस तरह से जो ब्रीदिंग कर रहे होते हैं कि लिप्स की जो है वो पर्सिंग होती है। अब इसकी आई विल ट्राई टू शो यू सम वीडियो, अभी तो राइट नाउ आई डोंट हैव द वीडियो, लेकिन इसको जो है ना इजीली जो है वो देख सकते हैं कि पर्स लिप ब्रीदिंग जो है ना वो किस तरह की होती है। देन ट्राइपोड पोजिशन, ये जो पोजिशन है दिस इज कॉल्ड ट्राइपोड पोजिशन। ज्यादातर जो पेशेंट हमारे पास सीओपीडी के जब एडमिट होते हैं तो पेशेंट आपको इस पोजीशन में बैठे हुए मिलते हैं। लुक हाउ दिस जेंटलमैन इज सिटिंग, ये ज्यादातर आपका एंड स्टेज सीओपीडी में होता है। इस पोजीशन में क्या होता है, पेशेंट इस तरह से बैठता है कि लीनिंग फॉरवर्ड विथ आर्म्स आउटस्ट्रेच्ड। पेशेंट यहाँ पे लीन फॉरवर्ड कर रहा है आउटस्ट्रेच्ड आर्म के साथ और अपना वेट जो है वो सपोर्ट कर रहा है ऑन द पाम्स और एल्बो। अब इस पोजीशन का फायदा जो है वो क्या होगा कि इसमें आपका स्केपुला जो है वो फिक्स होगा और जितनी भी एक्सेसरी मसल्स है रेस्पिरेशन की वो पेशेंट मैक्सिमम जो है वो उसको यूटिलाइज करेगा। तो उसको उसका मकसद ये होता है कि किसी न किसी तरीके से पेशेंट का जो ब्रेथलेसनेस है वो रिलीव हो जाए। तो दिस पोजिशन इज कॉल्ड ट्राइपोड पोजिशन एंड इट इज वेरी मच सजेस्टिव ऑफ एंड स्टेज सीओपीडी। वेल पेशेंट के अंदर कोई इतनी ज्यादा चीज जो है वो नहीं होती, परकशन नोट आपको हैपर रेजोनेंट जो है वो मिल सकता है क्योंकि लंग के अंदर बहुत ज्यादा एयर जो है वो ट्रैप हो रही है। कार्डियक डलनेस जो है वो रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि पूरे के पूरे चेस्ट के अंदर आपको रेजोनेंट नोट मिलेगा। ऑस्कल्टेशन में देयर इज प्रोलॉन्ग एक्सपायरेशन, ब्रेथ साउंड रिड्यूस मिलेंगे क्योंकि इतना ज्यादा एयर ट्रैपिंग है कि आपको जो है वो ब्रेथ साउंड जो है ओवर हियर। टुडे वी हैव डिस्कस्ड द एपिडेमियोलॉजी डेफिनेशन पैथोफिजियोलॉजी एंड क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर में हमने सिम्टम्स भी कर लिए एंड वी हैव डिस्कस्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन एज वेल।
जो कल के टॉक है उसमें हमारा जो फोकस होगा वो मेनली दो चीजों के ऊपर होगा, एक तो डायग्नोसिस कि हमने पेशेंट को डायग्नोज किस तरह से करना है, एंड द सेकंड पार्ट विल बी द मैनेजमेंट पार्ट. सो आई थिंक वी कैन टेक द लीव द क्वेश्चन फॉर टुमारो, तो क्योंकि वो लेक्चर जो है जब आपका एंड होगा तो फिर सारे जो क्वेश्चन हैं वो हम एंड में जो है वो ले सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. ये मेंटन जो ब्रेक भी मिले इनके थोड़ा बंद करें फोन के बुदा जो तेरे में बिहार एडवांस ऑप्शंस ठीक है ना वो कड़ा कड़न जूम के अंदर जैसे एक बार क्लिक कर था दिया इनके उन्होंने में फिलहाल अपलोड ना कर जो देखो हुआ है यूट्यूब वालों ने जो यूट्यूब वाले चला है ना मैं थोड़ा स्लाइड्स के लिए ना कंसाइज करें.